मसकली के सफर पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। दोस्तों, लोकसभा चुनाव इन दिनों चल रहा है और आम आदमी पार्टी के सबसे चर्चित युवा नेता राघव चड्ढा सभी सभाओं से दूर हैं। जानकारी के मुताबिक राघव चड्ढा इन दिनों अपनी आंखों के इलाज के लिए ब्रिटेन में हैं। दरअसल राघव चड्ढा एक ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं जिससे उनकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है। हालांकि अब उनकी सर्जरी हो चुकी है और वो बिल्कुल ठीक है। आपको बता दें कि राघव चड्ढा रेटिनल डिटैचमेंट से जूझ रहे हैं। आइए जानते हैं कि क्या होता है रेटिनल डिटैचमेंट, इसके लक्षण क्या हैं और इसका जोखिम, इसका खतरा क्या हो सकता है। सबसे पहले जानेंगे रेटिनल डिटैचमेंट आखिर है क्या। रेटिना आपकी आंख का बहुत ही अहम हिस्सा है। ये आंखों के पीछे ऊतक की एक परत है जो प्रकाश का पता लगाती है और आपके मस्तिष्क को संकेत भेजती है ताकि आप देख सकें। रेटिनल डिटैचमेंट तब होता है जब ये परत सहायक टिश्यू से अलग हो जाती है। इसी सहायक टिश्यू से रेटिना को ऑक्सीजन और खून मिलता है। आपकी रेटिना अपनी रक्त आपूर्ति खो देती है। रेटिनल डिटैचमेंट एक दर्द रहित और गंभीर आंख की समस्या है। ये स्थिति आपकी आंखों की रोशनी को प्रभावित कर सकती है और यहाँ तक कि अंधापन भी पैदा कर सकती है। रेटिना डिटैचमेंट उन लोगों में अधिक आम होता है जिन्हें निकट दृष्टि दोष होता है। बात करेंगे अब रेटिनल डिटैचमेंट के लक्षणों की। इसमें सब कुछ धुंधला नजर आता है, आंखों की रोशनी कम हो जाती है, आंखों में रोशनी की चमक पड़ती है, दृष्टि क्षेत्र के किनारों पर या बीच में काली छाया नजर आती है, आंखों में छोटे छोटे काले धब्बे दिखाई देते हैं। बात करेंगे इसके कारण की। कारण इसके कई सारे हो सकते हैं, जैसे आंखों में चोट लगना, फैमिली हिस्ट्री, रेटिना का कमजोर होना, डायबिटिक रेटिनोपैथी होना, ग्लूकोमा के लिए दवाओं का साइड इफेक्ट भी इसका एक कारण हो सकता है। इसके अलावा बढ़ती उम्र की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है और साथ ही मोतियाबिंद या अन्य किसी समस्या के लिए अगर आपकी आँखों की सर्जरी हुई है तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। बात करेंगे रेटिनल डिटैचमेंट के इलाज की। विट्रेक्टोमी, न्योमोटिक रेटिनापैक्सी या स्कलरेल बकलिंग की मदद से रेटिनल डिटैचमेंट का इलाज किया जा सकता है। रेटिनल डिटैचमेंट को ठीक करने के लिए विट्रेक्टोमी सर्जरी की जाती है। इस सर्जरी से रेटिना को उसकी सही जगह पर लाने के लिए इसकी लेजर के जरिए रिपेयरिंग की जाती है। तो अभी हमने जाना रेटिनल डिटैचमेंट आखिर क्या है और किस तरह ये बीमारी होती है, क्या कारण होते हैं, लक्षण क्या होते हैं और साथ ही जाना कि इसका इलाज किस तरह किया जा सकता है। और ये भी हमने जाना कि पिछले दिनों इस प्रॉब्लम से बुरी तरह से जूझ रहे थे राघव चड्ढा और इसी वजह से वो लोकसभा चुनावों में किसी भी तरह के प्रचार में नज़र नहीं आ रहे हैं। पर अच्छी बात यह है कि अब उन्होंने अपनी आँखों की सर्जरी करा ली है और वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। तो इस जानकारी के साथ ही इजाज़त चाहेंगे आपसे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अभी तक अगर आपने मसकली को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की जानकारी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। शुक्रिया।